वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज दीपक फ्रॉम पॉल्स फिटनेस क्लब। आज हम लोग करने वाले हैं ट्यूटोरियल आर्च और पुशअप का। वैसे तो आपने मेरा सब टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को अगर आर्च और पुशअप्स अचीव करना है तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक्स वर्कआउट आने चाहिए, जैसे कि नॉर्मल पुशअप्स, मिलिट्री पुशअप्स, वाइड हैंड पुशअप्स। ओके, ये आपका परफेक्ट है, परफेक्ट, आपका आधा काम उधर ही खत्म हो गया। ये वर्कआउट आपका टारगेट करेगा चेस्ट एरिया को, चेस्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद में आता है डायमंड पुशअप्स, जो आपका ट्राइसेप्स ब्रैची है, ये वाला एरिया, इसे टारगेट करता है, ठीक है। और जो तीसरा मसल है वो है एंटीरियर डेल्ट्स, ये फ्रंट वाला जो शोल्डर का है पार्ट, इसे बोलते हैं एंटीरियर डेल्ट्स। तो ये जो तीन मसल ग्रुप है ना, ये टारगेट होता है हमारा आर्च और पुशअप्स में। तो गाइस, आप लोग अगर ये जितने भी वर्कआउट है, नॉर्मल पुशअप्स, मिलिट्री पुशअप्स, वाइड एंगल पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, उसके बाद में अपना डायमंड पुशअप, अगर आप ये सब वर्कआउट इजीली कर लेते हो 15 टू 20 रेप्स, तो आप तैयार हो आर्च और पुशअप्स के लिए। तो गाइस, अभी तक हम लोग ने बात की कौन से मसल ग्रुप टारगेट होने वाला है आर्च और पुशअप में। अब हम बात करेंगे आर्च और पुशअप फॉर्म की। तो गाइस, आर्च और पुशअप का फॉर्म ये होता है ऐसे, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, जैसे मैं ये साइड नीचे जाने वाला हूँ, तो ये जो मेरा हैंड है वो 90 डिग्री एंगल में आ जाएगा, और यू ऊपर आते टाइम यू। अब मुझे ये साइड आना है तो ये आएगा 90 डिग्री, यू ऊपर आना है, यू। ओके, तो ये हमारा फॉर्म रहने वाला है। तो गाइस, बहुत ध्यान से देखिए, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली जब हम आर्चर पुशअप परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमारा नॉर्मल पोजीशन होता है ऐसे, हाई प्लैंक पोजीशन। जब मैं राइट साइड में नीचे जाने वाला हूँ पुशअप के लिए, अगर मैं ऐसे नीचे जाता हूँ तो ये रॉन्ग फॉर्म है। कैसे? क्योंकि जो मेरा शोल्डर है और जो मेरा एल्बो है दोनों स्ट्रेट है, तो ये रॉन्ग फॉर्म है। लेकिन जब मैं नीचे जाऊँगा तो हमें थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ रखना है हाथ, ठीक है, और थोड़ा और अंदर होगा तो एक्सीलेंट। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप नीचे एक तरफ बेंड हो रहे हो वन साइड में, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए जो आपका दूसरा हाथ है वो स्ट्रेट रखना होगा ऐसे, ठीक है। जब मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ तो ये दूसरा हाथ स्ट्रेट होगा, और ये जो पाम है, जो आपका फिंगर्स है, ये आपको सपोर्ट देंगे बैलेंस बनाने के लिए। तो गाइस, ये जो आर्चर पुशअप्स है ना, मैं आपको अभी इनके कुछ स्टेप्स बताऊंगा हमें कैसे अचीव करना है। डायरेक्टली हम आर्चर पुशअप नहीं अचीव कर पाएंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप वन हैंड पुशअप इजीली कर लेते हैं, मतलब एक हाथ से आप पूरा लोड एक हाथ में ले रहे हैं इजीली, तो आर्चर पुशअप आपके लिए बहुत ईजी, आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा बिगिनर फॉर्म। बेसिकली जो ओवरवेटेड है या जिन्होंने कभी आर्चर पुशअप नहीं किया है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो अपने नीज़ में आकर आर्चर पुशअप परफॉर्म करेंगे। जो मेरी नीज़ है आप देख रहे होंगे बहुत ही आगे है, तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ आर्चर पुशअप परफॉर्म। कुछ टाइम के बाद में आपको ये फॉर्म इजी लगेगा, तो आपको क्या करना है, अपनी नीज़ और थोड़े पीछे लेने, ताकि आपका ज़्यादा लोड हाथ में आए। जब आपको आ जाएगा ये फॉर्म इजीली, तो आप एक्चुअल हाई प्लैंक पोजीशन में आएंगे आर्चर पुशअप के ऐसे। अब आपको स्ट्रगल कहाँ पे करना होगा, नीचे जाते टाइम इजीली हम नीचे चले जाते हैं, लेकिन ऊपर आते टाइम हम आ नहीं पाते ऊपर। तो हमें क्या करना है, जब नीचे जाएंगे तो 2-3 सेकंड के लिए बॉडी को नीचे ग्राउंड में रेस्ट देना है, फिर ऊपर आना है। कुछ समय के बाद में हमारी बॉडी ये फॉर्म को अडेप्ट कर लेगी और ईजीली लिफ्ट कर पाएगी, तो तब हम कंटिन्यूस रेपिटेशन लगा सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ जो रेपिटेशन से। पूरे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हमारी बॉडी का स्ट्रेट होना ज़रूरी है, और कोर को भी एंगेज करना है। तो देखिए साइड एंगल व्यू से कैसे मैं वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ। आपका राइट टेक्निक होना चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है हाथों में। और अपने हाथों के नीचे कुछ रखिएगा जिससे आपको स्मूथली सपोर्ट मिले, आप वर्कआउट परफॉर्म कर पाएँ, या तो ग्लव्स पहनिएगा ताकि इंजरी ना हो। तो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो, ट्यूटोरियल आर्चर पुशअप का, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही फिटनेस के वीडियो लेके आता रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी एट होम, बी सेफ। जय हिंद।